और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल पर। बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर्यवेक्षकों के साथ आज शाम 7 बजे बैठक करेंगे। बंगाल चुनाव पर होने वाली ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है और जिस तरह का सियासी पारा इस वक्त पश्चिम बंगाल में बरकरार है, ऐसे में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि बार बार कैंपेनिंग जो की जा रही है बीजेपी के जरिए इस पूरे चुनाव प्रचार में, कोई ना कोई ऐसा विघ्न खलल बाधा डालने की कोशिश जरूर कुछ तत्वों के जरिए की जा रही है। इसका सीधा आरोप बीजेपी टीएमसी पर लगा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर्यवेक्षकों के साथ आज शाम 7 बजे बैठक करने वाले हैं। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, किन मायनों में अहम है आज शाम 7 बजे होने वाली है बैठक? देखिए, बीजेपी मुख्यालय में शाम को 7 बजे बैठक होगी और क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति बीजेपी ने की थी और उन पर्यवेक्षकों को विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, 40 से 45 सीटें एक एक पर्यवेक्षक को दी गई थी, तो किस तरीके का उनका जमीनी आकलन है, किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर जाने पर पता चली हैं और किस तरीके की पार्टी को अब नई तैयारियाँ, कुछ अगर नई ज़रूरतें हैं, नई तैयारियाँ हैं, उन सब चीज़ों को लिए एक समीक्षा बैठक की जाएगी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे और बैठक का उद्देश्य यही है कि अभी तक जो जमीनी काम वहां पर पार्टी के पर्यवेक्षकों ने किया है, राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर जा करके वहां पर किस तरीके के हालात का आकलन हुआ है, क्या क्या जरूरतें पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से चाहिए, तो उन्हीं सब चीजों पर एक समीक्षा होगी। और क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति इसलिए की गई थी कि वो वहां पर जाकर के जो स्थानीय लोग हैं उनसे मिलकर के, राज्य के नेताओं के साथ मिलकर के और जो सीट पर प्रमुख नेता और बाकी प्रबुद्ध लोग हैं उन सभी से मुलाकात करके एक आकलन और हर सीट के बारे में पार्टी नेतृत्व को जानकारी दे, तो उसी की एक समीक्षा बैठक है जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष भी शामिल होंगे। कैलाश विजयवर्गीय जो पार्टी के महासचिव भी हैं और प्रभारी भी हैं पश्चिम बंगाल के, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अच्छा, एक और बात विक्रांत अहम है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। चुनाव तो विधानसभा के बीते दिनों में कई जगह हुए हैं लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते एक महीने के भीतर ही चुनाव है, इतनी ज्यादा तपिश है। ऐसे में बीजेपी हर अपनी रणनीति को एक बार फिर से विचार करेगी? आवाज नहीं आ रही विक्रांत, चलिए लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक बार फिर से आपको यह महत्वपूर्ण खबर बता दें। दरअसल पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई खबर, जहां पर जानकारी आ रही है कि पश्चिम बंगाल पर बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर्यवेक्षकों के साथ आज शाम 7 बजे बैठक करने वाले हैं। बंगाल चुनाव पर होने वाली ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और जैसा विक्रांत बता रहे थे कि पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने द्वारा जो आपको निर्धारित की गई सीटें हैं उन पर एक रिपोर्ट कार्ड, एक असेसमेंट दें कि आप कितनी ज्यादा तैयारी के साथ उस पर बढ़ चुके हैं और कितना और आपको काम करना बाकी है। तो बंगाल चुनाव पर बीजेपी की बैठक शाम 7 बजे, महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जेपी नड्डा के साथ। ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट देंगे। क्या लगता है सर, ब्लॉक लेवल बूथ लेवल पर कितनी मजबूत हुई है भाजपा बंगाल में? बहुत मजबूत हुई है, लगभग 78,000 पोलिंग बूथ में से लगभग 60,000 पोलिंग बूथ पर हमारे कार्यकर्ता बन गए हैं और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हम लगभग 70,000 पोलिंग बूथ पर हमारे कार्यकर्ता होंगे और चुनाव हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सर, ये जो बैठक होने वाली है उस बैठक में आज क्या कुछ नतीजा निकलेगा? काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, इससे पहले भी आप लोगों ने बैठक की थी अमित शाह के निवास पर। देखिए, हम हमेशा अमित शाह जी से और नड्डा जी से मार्गदर्शन लेते रहते हैं कि भविष्य की योजना किस प्रकार चुनाव में बनाना, और जो वहाँ पर हम काम करते हैं उसकी गतिविधियों के बारे में भी उनसे उनको अवगत कराते रहते हैं। सर, शांतिपुर के विधायक है, टीएमसी विधायक, उनकी ज्वाइनिंग की खबरें चल रही हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप कि ज्वाइनिंग होगी आज? आ सकते हैं वो, क्योंकि वो कांग्रेस से जीते हैं, टीएमसी में गए थे, पर टीएमसी की जो भ्रष्टाचार की नीति है, जो माफिया के हाथ में उन्होंने सरकार को सौंप दिया है, उससे वो काफ़ी नाराज़ हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी सद्भावना है और मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। सर, इससे पहले भी आपका वक्तव्य सुना था, काफ़ी विधायकों के बारे में आपने कहा कि वो आना चाहेंगे तो उनके लिए स्वागत है, कुछ बताना चाहेंगे कि और कितने विधायक भाजपा में शामिल हो रहे हैं आगामी चुनाव से पहले?
काफ़ी विधायक आना चाहते हैं, पर हम उन्हीं को लेंगे जो ममता जी के भाइकों के कोल माफियाओं के साथ संलग्न नहीं हो, जो गाय तस्करी में संलग्न नहीं हो, जो गोल्ड तस्करी में संलग्न नहीं हो, जो अवैध गतिविधियां और सिंडिकेट राज में नहीं हो, उनको ही लेंगे, हम हर किसी को नहीं लेंगे। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी चुनौती दे रही हैं, नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, एक बड़ी बात है, वो हमेशा कालीघाट से चुनाव लड़ती आई हैं, तो क्या लगता है सर आपको कि इस बार ममता बनर्जी खुद फ्रंट फुट पर आकर चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही हैं, ऐसे में भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? नहीं, कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रही, उनकी ज़मीन खिसक गई, वो घबरा के भवानीपुर से नंदीग्राम की तरफ जा रही है और वो ये सोच रही कि नंदीग्राम में अल्पसंख्यक वोट है तो वो मुझे वोट देंगे। मुझे विश्वास है कि नंदीग्राम की जनता को उन्होंने धोखा दिया है, जब गोली चलाने वाले उन सारे अधिकारी जिनको कि उन्होंने कहा था मैं फांसी पर लटकाऊंगी, उनको प्राइस पोस्टिंग दी और यहाँ तक कि एक को तो अपने ऑफिस में OSD बना के रखा रिटायरमेंट के बाद भी, तो जब गोली चलाने वाले अधिकारियों को वो संरक्षण दे रही है और यह बात नंदीग्राम की जनता को मालूम है और इसलिए नंदीग्राम की जनता उनसे बहुत नाराज़ है और चुनाव में इसका परिणाम भी दिखाई देगा। बिल्कुल, तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय। अब देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बंगाल के नतीजे किस ओर जाते हैं, मगर भाजपा का कहना है कि वो पूरी तरीके से मजबूत है और ममता बनर्जी की TMC गवर्नमेंट को टक्कर देने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, News 18 नई दिल्ली। तो कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, जिन पर बड़ा दारुमदार है इस बार पश्चिम बंगाल में और वो हर उस जगह पर नजर आते हैं जहां पर BJP को मजबूती दी जा सके। पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में BJP और TMC में तकरार बढ़ती जा रही है। बंगाल में आलम यह हो गया है कि आए दिन हिंसा की खबरें आ रही हैं। BJP बंगाल में हिंसा के लिए ममता बनर्जी और